डियर स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी कंटिन्यूड. ठीक है, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. हमने कल से शुरू किया हुआ है जनरल मेंस्ट्रुएशन सर्कल का पार्ट. तो हमने कल चार डेफिनेशंस की थी. हमने पढ़ा था सर्कल होता क्या है, रेडियस क्या होता है, डायामीटर क्या होता है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है. आज हम इसके आगे पढ़ने जा रहे हैं आर्क ऑफ ए सर्कल. तो कैसा लगा कल का आपको? अच्छा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि कितना अच्छा लगा, कहाँ कहीं कमी रह गई है तो बात कीजिएगा. ठीक है, डोंट फॉरगेट टू कमेंट प्लीज़. हैं, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आर्क ऑफ ए सर्कल. आर्क ऑफ ए सर्कल, देखो आर्क होती क्या है. आपको पता है कंपास लेते हो तो जिस तरह से ये एक पॉइंट है कंपास लेके, तो यहाँ ऐसे करके आप इस तरह से करके तो ये लाइक दिस आप एक मार्क करते हो ये इस तरह से. तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड आर्क. ये है आर्क. मान लो ये एक पॉइंट है. फिर अगर मान लो आपने इस पॉइंट से ए और बी दो पॉइंट्स हैं, ये लाइन सेगमेंट है, एक इधर से लगाई एक इधर से, और दूसरी ये आर्क यहाँ पे कट करते हो, आप इसको ज्वाइन कर देते हो. ठीक है, ये आर्क है. हाउ टू ड्रा एन आर्क. ठीक है, आर्क कैसे ड्रा करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक ए लाइन. मान लो ये एक लाइन ले ली है. ठीक है, लाइन के ऊपर हमने इसके एंड पॉइंट पे ए और बी लिखा है. अब हम क्या करेंगे, हमने अगर इसका बाइसेक्टर निकालना है मोर देन हाफ खोलेंगे, तो इस तरह से एक इधर लगाएंगे आर्क इस तरह से, और दूसरी ऐसे और ये ऐसे, और इसको हम ज्वाइन कर देंगे, तो ये आपका बाइसेक्टर आ जाएगा. या अगर आपको कोई ट्राइंगल बनानी है, कोई भी फिगर बनानी है, उसमें आप कंपास खोल के आर्क से बनाते हैं. तो अब इसी तरह आर्क ऑफ ए सर्कल क्या है, सर्कल में जो आर्क है उसका क्या रोल है, आर्क ऑफ ए सर्कल. तो लेट अस डिस्कस द आर्क ऑफ ए सर्कल. ठीक है, हम डिस्कस करेंगे आर्क ऑफ ए सर्कल. तो ये क्या होगा, आर्क ऑफ ए सर्कल. आपको मैंने आर्क बताया ना कैसे बनाना है, इस तरह सर्कल है. सर्कल क्या है, इट इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स. ठीक है, ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है हैविंग ए फिक्स्ड डिस्टेंस एंड फिक्स्ड पॉइंट. फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट टू ए फिक्स्ड डिस्टेंस तक इसका जो कलेक्शन है पॉइंट्स का, दैट इज कॉल्ड ए आर्क. तो इट इज अ पोर्शन ऑफ द सर्कमफेरेंस. आर्क क्या है, इट इज द पोर्शन ऑफ ए ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल. मान लो आपके पास ये एक सेंटर है O, तो ये आपके पास एक सर्कल है बी सेंटर O. ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस सेंटर O के जो सर्कल है इसके साथ आपने ये जो सर्कल सेंटर O के साथ, ये अगर आप ये सर्कल है O सेंटर है, तो आप ये इस तरह से कट कर देते हैं. ठीक है, मान लो ये कोई पॉइंट है, इन्होंने कट कर दिया है, तो इस पॉइंट को हम शो करेंगे इस तरह से. ये डिस्टेंस, ठीक है, दिस इज कॉल्ड आर्क. ये आर्क है. अब आर्क दो किस्म की है. ठीक है, इसको हम आर्क बोलेंगे. है तो आर्क इसकी दो किस्म की होती है. जैसे इसका मैं नाम लिख देता हूं, जैसे ए और बी, ये आर्क है. अब इसमें क्या है, देर आर टू टाइप्स ऑफ आर्क. आर्क कितनी है, फ्रॉम एनी टू पॉइंट्स. ठीक है, तो इसमें क्या, फ्रॉम एनी टू पॉइंट्स दैट लाई ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल टू आर्क्स कैन बी क्रिएटेड. है तो इसलिए क्या कहता है, फ्रॉम एनी टू पॉइंट्स, एनी टू पॉइंट्स, अगर ये दो कोई पॉइंट है ए और बी. ठीक है, फ्रॉम एनी टू पॉइंट, ये दो पॉइंट है दैट लाई ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, दैट लाई ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल टू आर्स कैन बी क्रिएटेड. इसमें दो आर्क बनेंगे. ठीक है, टू आर्स कैन बी क्रिएटेड, दो आर्स बनेंगे, नोन एज
नोन एज माइनर आर्क एंड दूसरी क्या है मेजर आर्क। तो इससे क्या होगा, दो आर्क क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। एक होगी आपकी माइनर आर्क और दूसरी होगी मेजर। ये देखिए, ये ए से बी तक क्या है माइनर आर्क है, और दूसरी आप इस तरह से ब्लू कलर से इसको हम डिजाइनेट कर देते हैं अलग से, ठीक है। ये अलग रंग से मैंने शो कर दिया है ये। तो दिस आर्क इज कॉल्ड द मेजर आर्क, ये मेजर है। तो ये वाली जो है, इस आर्क को क्या कहेंगे, माइनर आर्क। तो कितनी बन गई, दो आर्क बन गई, एक बन गई मेजर आर्क और दूसरी क्या बन गई, दूसरी बन गई माइनर आर्क, मेजर और माइनर आर्क। तो ये इसका क्या है, दिस इज कॉल्ड द सेंटर, ठीक है। ये सेंटर है सर्कल का और ए और बी कोई दो पॉइंट्स हैं, ए और बी कोई दो पॉइंट्स हैं। सो माइनर आर्क क्या है, इट इज अ शॉर्टर आर्केटेड बाय टू पॉइंट्स, इट इज अ शॉर्ट डिस्टेंस, इनके शॉर्ट आर्क जो है क्रिएटेड बाय टू पॉइंट्स। तो माइनर आर्क क्या हुई, माइनर आर्क इट इज द शॉर्टेस्ट आर्क, आर आप ये भी कहते हैं शॉर्टर लेंथ जो है, शॉर्टेस्ट लेंथ भी कहते हैं, शॉर्टेस्ट आर्क क्रिएटेड बाय द टू पॉइंट्स, क्रिएटेड बाय द टू पॉइंट्स। ये दो पॉइंटों के बीच में सबसे छोटी आर्क है, ठीक है। देन सेकंड जो है, सेकंड इज अ मेजर आर्क। तो लेट अस राइट डाउन दैट सेकंड इज अ मेजर आर्क। तो ये क्या होगा, जो मेजर आर्क होगा, इट इज द लॉन्गेस्ट आर्क, इट इज द लॉन्गेस्ट आर्क क्रिएटेड बाय द टू पॉइंट्स, ठीक है। अच्छा, नो इन द सर्कल क्या है, फ्रॉम द सर्कल ये एक मेजर आर्क होगी, एक माइनर आर्क होगी। हम क्या करेंगे, तो लेट अस लॉजिकली लेट अस कंसीडर टू पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कल विद सेंटर विद सेंटर ओ, देन ए बी जो है ये क्या है, माइनर आर्क होगी। द ए बी इट इज अ माइनर आर्क एंड दूसरी तरफ से ए बी ये क्या है, इज द ये मेजर आर्क है, एक माइनर आर्क है दूसरी मेजर आर्क है। दैट इज आर्क ए बी इन रेड कलर, इन रेड इज शोन इन रेड शोन इज माइनर while arc AB, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये ऊपर निशान भी लगा सकते हैं, arc AB in blue
shown is the major arc, ठीक है, एक रेड आर्क है और रेड भी है वो माइनर आर्क है और दूसरी मेजर आर्क है। तो ये इस तरह से आपको आर्क का एक्सप्लेनेशन है कि आर्क है क्या, ठीक है। तो ये क्या है, ये दो पॉइंट्स लाइक करते हैं बाउंड्री ऑफ द सर्कल पे, तो वो जो छोटा पार्ट है उसको हम माइनर आर्क कहते हैं, जो बड़ा पार्ट है जिसे ब्लू से शो किया ये क्या है आपका मेजर मेजर आर्क है। नो लेट्स मूव टू द सेक्टर ऑफ अ सर्कल। तो लेट्स मूव टू द सेक्टर ऑफ ए सर्कल। अब क्या आएगा, सेक्टर ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल का सेक्टर क्या होता है, अब इसके लिए क्या करेंगे, लेट अस ड्रा, पहले हम ड्रा करेंगे सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है। मान लो आपके पास ये एक सर्कल है, आपके पास ये सर्कल है ओ, इसका ये सेंटर है, ठीक है, और ए और बी कोई दो पॉइंट्स हैं ऑन द सर्कल, ठीक है, सर्कल पे दो पॉइंट्स हैं। अगर इन दोनों एंड पॉइंट्स ऑफ दिस आर्क ए बी लेट्स जॉइन, अगर ये जॉइन कर दें विद द सेंटर, अगर इसको सेंटर के साथ ऐसे करके जॉइन कर दें तो ये क्या बनेगा आपका ए बी, जब ये एक पॉइंट पे जाके मीट कर जाएंगे, ये जो एक एरिया होगा दिस विल बी नोन एज सेक्टर, ये सेक्टर है। अब सेक्टर दो किस्म के हैं, उसके बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम देखते हैं इसको सेक्टर क्या है। ए सेक्टर क्या है, ए सेक्टर इज फॉर्म्ड व्हेन, सो सेक्टर क्या हुआ, ए सेक्टर इज द रीजन ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क विद द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर हम जो एंड पॉइंट आर्क है उसको सेंटर ऑफ द सर्कल से ज्वाइन कर देंगे, हमारे पास क्या बन गया, सेक्टर, ठीक है, तो सेक्टर ऑफ द सर्कल बन जाएगा, है, ज्वाइन विद द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो दिस इट इज कॉल्ड द रीजन सो फॉर्म इज कॉल्ड द सेक्टर ऑफ द सर्कल। ये जो रीजन बना है इसको हम सेक्टर कहेंगे, ये सर्कल का सेक्टर है, सेक्टर ऑफ द सेंटर, सेक्टर ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है। अच्छा अब क्या है, इसका कहने का दे दस ऑन जॉइनिंग विद द एंड पॉइंट्स क्या होगा, सर्कल ऑफ द टू सेक्टर्स है, सो फ्रॉम हियर वी गेट टू सेक्टर, सेक्टर्स आर रीजन, वन इज द लार्जर पार्ट एंड द अदर इज द स्मॉलर पार्ट, एक बड़ा पार्ट है दूसरा छोटा पार्ट है, नोन एज दीज पार्ट्स आर नोन एज सेक्टर, नेमली क्या आएगा, एक आएगा माइनर सेक्टर और दूसरा आएगा मेजर सेक्टर, ठीक है, एक बनेगा माइनर सेक्टर और दूसरा बनेगा मेजर सेक्टर।
बाय डिफॉल्ट वी ओनली कंसीडर द माइनर सेक्टर, लेकिन हम क्या करते हैं बाय डिफॉल्ट, ठीक है। By default, we only consider the minor sector. हम सिर्फ minor sector की बात करते हैं, ठीक है। Logically, let A be बी एनी टू पॉइंट्स, एनी टू पॉइंट्स ऑन दी बाउंड्री ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है। विद सेंटर ओ, मान लेते हैं इसका ओ सेंटर है, तो इसके ऊपर क्या है ए बी कोई दो पॉइंट्स है, ए और बी दो पॉइंट्स है, ठीक है। देन लेट्स जॉइन ए ओ एंड ओ बी सच दैट ए ओ बी इज द सेक्टर, इज द ए ओ बी सच दैट द रीजन, इसको रीजन कर लीजिए, रीजन ए ओ बी इज द सेक्टर नोन एज माइनर सेक्टर, इसको माइनर सेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम शो कर सकते हैं माइनर सेक्टर को, मान लो ये रेड रीजन से ये आप लाइन ज्वाइन कर रहे हो, ये एक आपने इसके साथ ये ज्वाइन कर दिए सेंटर के साथ, तो ये जो रीजन है ये आपका शो कर रहा है कि ये भाई हमारा क्या है सेक्टर है, ये माइनर सेक्टर है, इसको हम माइनर सेक्टर बोलेंगे। लेकिन होता क्या है, अगर हम मेजर सेक्टर तो करते नहीं है, लेकिन हम ज्यादातर जब तक तो पूछा ना गया हो, जब तक तो ये बात अनलेस इट इज मेंशन अदरवाइज सेक्टर जो है ऑफ ए सर्कल, अनलेस ये क्या है जब तक बाय डिफॉल्ट, तो इसे अनलेस इट इज मेंशन इसमें लिख सकते हैं माइनर सेक्टर अनलेस इट इज मेंशन अदरवाइज माइनर सेक्टर जो है अदरवाइज सेक्टर ऑफ ए सर्कल, इट इज मेंशन अदरवाइज सेक्टर ऑफ ए सर्कल, अगर इसको मेंशन नहीं किया तो हम नहीं करते हैं। इसलिए जो मेजर है वो ये जो है, इसको मैं ब्लू से शो कर देता हूँ सारे को, तो ये जो पार्ट है आपके पास ये क्या है, दिस इज योर मेजर सेक्टर, लेकिन इसके बारे में हम नहीं पूछते, अगर पूछेंगे तो उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मान लो कि मेजर सेक्टर की बात करते हैं, आपको क्या करना है एरिया ऑफ सर्कल निकाल के उसमें से एरिया ऑफ सेक्टर निकाल देना है, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर का हम आपको सूत्र देंगे कि एरिया ऑफ सेक्टर होता क्या है। तो इस तरह से ये आपका जो टॉपिक है ये एक एक जो थोड़ा सा क्लियर हो गया, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट पार्ट जो है इसका वो पढ़ने जाएंगे, इसमें नेक्स्ट क्या है तो सेमी सर्कल। अब जो नेक्स्ट है हमारी प्रॉपर्टी उसका नाम है सेमी सर्कल, क्योंकि वी आर जस्ट डिफाइनिंग डेफिनेशन दे रहे हैं, तो एरिया वो है वो बाद की बात है, एरिया बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये होता क्या है, ठीक है। अच्छा सेमी सर्कल क्या है, सेमी सर्कल सेमी सर्कल क्या होता है, देखिए अगर आपके पास ये हाफ पार्ट ऑफ द सर्कल है, मान लो आपके पास सर्कल है
तो उस सर्कल का आप सेंटर ओ है, तो उसका अगर हम सर्कल भी सेंटर ओ, तो अगर हम ज्वाइन कर देंगे सेंटर ओ के दो पॉइंट से, तो उसका हाफ पार्ट जो होगा वो आपके पास सर्कल बन जाएगा। जैसे ये आपके पास एक सर्कल है, इसका सेंटर ओ है, ठीक है, आप इसके हाफ पार्ट को ऐसे करके ज्वाइन कर देते हो, इसको मिटा देते हो, देन दिस इज कॉल्ड द सेमी सर्कल। ये हो गया आपका सेमी सर्कल। तो ये मतलब डायमीटर हो गया किसी का ए बी, ठीक है, एंड पॉइंट्स है, लेकिन ये आपका सेमी सर्कल है। तो सेमी सर्कल क्या हुआ, इट इज हाफ पार्ट ऑफ द, इट इज हाफ पार्ट ऑफ द सर्कल। ये सर्कल का आधा पार्ट है। आर सेमी सर्कल इज ऑब्टेन, आर सेमी सर्कल इज ऑब्टेन, सेमी सर्कल कैसे ऑब्टेन किया जाता है, इज ऑब्टेन व्हेन ए गिवन सर्कल विद सेंटर ओ इज इक्वली डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, जब इनको इक्वली डिवाइड करते हैं इंटू टू पार्ट्स, ठीक है, तो वो सेमी सर्कल बन जाता है। ये आपका रीजन जो है पूरे का पूरा सेमी सर्कल है, ठीक है, ये सारे का सारा जो रीजन है ये सेमी सर्कल है। अच्छा, जब इसको दो बराबर हिस्सों में बांट देते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, ये हो गया सेमी सर्कल। तो जैसे ये जो इसके एंड पॉइंट्स बन जाएंगे हाफ डायमीटर, दैट इज बाय जानी द सेंटर ओ विद टू एंड पॉइंट्स, वन विद द फ्रॉम द ओ टू बी एंड द अदर फ्रॉम ओ टू ए, देन दिस ए ए ओ बी इज द सेमी सर्कल, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल, तो लेट अस टेक द प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज क्या है सर्कल की। ये डेफिनेशन क्लियर हो गई है सारी। हाँ, तो एक सेगमेंट रह गया है, सेगमेंट क्या है, और माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। सेगमेंट भी एक सर्कल का पार्ट होता है, सेगमेंट जो होता है वो भी सर्कल का पार्ट होता है। तो माइनर सेगमेंट क्या होता है, जब उस आर्क को ज्वाइन कर देते हैं कार्ड को, तो वो डिवाइड करता है सर्कल को दो हाफ पार्ट्स में, एक इज द माइनर और दूसरा क्या है वो होगा मेजर। तो आज हम पहले अभी डेफिनेट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल। तो सर्कल की क्या क्या प्रॉपर्टी है, कहते हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल जो है वो है, सर्कल क्या है, लाइंस है, दैट इज रिलेटेड टू लाइंस इन ए सर्कल। जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल इज लाइंस, इज लाइंस, ये लाइन से है, ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू द लाइन्स इन ए सर्कल, दैट इज रिलेटेड टू लाइन्स इन ए सर्कल, कि एक सर्कल में लाइन से जो रिलेटेड है वही इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी है। फर्स्ट क्या आएगा, कॉर्ड। तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, कॉर्ड। अब कॉर्ड क्या होता है, ठीक है, जैसे ये एक सर्कल है, इसका सेंटर ओ है, ठीक है, तो ये एक लाइन मान लो सर्कल को यहां पे टच कर रही है, इसको क्या कहेंगे, ये एल एक लाइन है, ये यहां पे एल एम, कोई लाइन जो है सर्कल को इस तरह से काट के जा रही है ये भी एक लाइन है, ये पी क्यू, कोई एक लाइन ऐसी है जो सर्कल को इस तरह से कट कर रही है, ये भी क्या है, ये भी एक लाइन है ए बी है। अब ये सब के क्या है, दिस लाइन इज कॉल्ड सेकेंड,
जो कट करके बाहर निकल जाती है सर्कल को दो पॉइंट्स पे, उसको सीकेंट कहते हैं। जो लाइन टच करती है एट द एंड पॉइंट्स पे इसे कॉल्ड कॉर्ड, इसको कॉर्ड कहते हैं। और दिस लाइन इज कॉल्ड द टेंजेंट टू द सर्कल, टेंजेंट। तो ये तीन लाइन्स हैं जिसको हमने आज डिस्कस करना है। इसमें पहले हमने कौन सी ली है, पहले हमने लिया कॉर्ड। क्या लिया है? पहले हमने कॉर्ड, देखिए ये जो लाइन, द लाइन दैट टचेस द सर्कल एट द सरफेस ऑफ द सर्कल एट वन पॉइंट, है ना, किसी एक पॉइंट पे टच करती है उसको टेंजेंट कहते हैं। वो लाइन जो सर्कल को दो एंड पॉइंट्स पे मीट करती है दैट इज कॉल्ड कॉर्ड। एट द लाइन विच क्रॉस द सर्कल, ठीक है, एट एनी टू पॉइंट्स, किसी दो पॉइंट से सर्कल को पास कर कर देती है तो इसको हम सेकंड कहते हैं। तो ये जो डायामीटर होता है, ये जो डायामीटर होता है इसको हम ग्रेटेस्ट कॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेटेस्ट कॉर्ड। ये सबसे बड़ा कॉर्ड होता है, ये वाला शॉर्ट कॉर्ड है और ये सबसे ग्रेटेस्ट कॉर्ड है, ठीक है, डायामीटर को ग्रेटेस्ट कॉर्ड कहते हैं। इसी तरह से आज का ये जो टॉपिक है, अभी हम एक प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज अ कॉर्ड। कॉर्ड क्या हुआ? सो कॉर्ड क्या है? ए कॉर्ड इज ए लाइन सेगमेंट, ए कॉर्ड इज ए लाइन सेगमेंट। कॉर्ड जो है एक लाइन का सेगमेंट है, वेयर इट्स एंड पॉइंट्स, हूज एंड पॉइंट्स लाइज ऑन दी बाउंड्री ऑफ ए सर्कल, ठीक है, जिसके एंड पॉइंट जो है वो बाउंड्री ऑफ ए सर्कल पे लाई करते हैं, विद सेंटर ओ हैविंग सेंटर ओ, ठीक है, जो ओ से गुजरता है। फॉर एग्जाम्पल अब इसमें क्या है, हेयर ए बी, हेयर इन द फिगर ए बी इज ए कार्ड, ए बी इज ए कार्ड, ठीक है, और ए बी जे कार्ड एंड सी डी इज द डायामीटर आल्सो नोन एज, आल्सो कॉल्ड एज ग्रेटर कॉर्ड, ग्रेटेस्ट एज द ग्रेटेस्ट कॉर्ड, इसको सबसे बड़ा कॉर्ड भी कहा जाता है, ठीक है। तो अभी क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड क्या है, अब इसकी प्रॉपर्टीज हैं कॉर्ड की, अच्छा प्रॉपर्टी ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड क्या करता है, कॉर्ड जो है इट इज ए परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। तो इसकी क्या है, जो द परपेंडिकुलर drawn from the center of a circle bisects the circle, always bisect the chord, हमेशा bisect करता है, That is, bisect the card. Let's explain. चलो इसको explain करते हैं, दोबारा सर्कल बनाएंगे अभी। Logically, consider a circle with
सेंटर ओ, मान लेते हैं ये एक सर्कल है, इसका ये सेंटर ओ है, ठीक है, कंसीडर सर्कल विद सेंटर ओ, लेट ए बी बी द कॉर्ड ऑफ द गिवन सर्कल हैविंग सेंटर ओ। मान लो ए बी इसका कॉर्ड है, ठीक है, ए बी इसका कॉर्ड है, ये सेंटर है और ये कॉर्ड है, तो लेट्स ड्रा ओ सी परपेंडिकुलर टू ए बी फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, यहां से मैंने ये ड्रा कर दिया, ये ओ सी, तो इसका मतलब है सच दैट, इसका मतलब एंगल ए सी ओ इज इक्वल टू एंगल बी सी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच, क्यों परपेंडिकुलर होता है वही 90 डिग्री है, आल्सो बाइसेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ए सी इज इक्वल टू सी बी है, ए सी इज इक्वल टू सी बी विच कैन बी वेरीफाइड, विच कैन बी वेरीफाइड, जिसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। अगर हम इसके ऊपर डिस्कस करना चाहते हैं, चलो इसको वेरीफाई कर लेते हैं, एक एग्जांपल दे देता हूं मैं, उसी से इसका कार्ड निकालते हैं डिस्टेंस, ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एग्जांपल देते हैं, फॉर एग्जांपल कंसीडर ए सर्कल विद सेंटर ओ हैविंग रेडियस, मान लेते हैं एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, इसका रेडियस कितना है, रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ कार्ड ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, रेडियस 10 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ कार्ड 8 सेंटीमीटर है, देन वी शैल फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, मान लो ये आपके एक सर्कल दिया गया, इसका जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर ओ सर्कल है, ये रेडियस दिया इसका 10 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो यहां से हम डिस्टेंस निकालते हैं, सपोज ये निकालना है ओ सी, ए बी जो है ये आपके पास 8 सेंटीमीटर है, तो ये कितना है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, अब ये कितना होगा, है ना, सॉल्यूशन हेयर ओ ए इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है, वी हैव टू फाइंड ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, देयरफॉर हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू कितना आएगा 8 बाय 2, 2 4 सा 8, 4 सेंटीमीटर आ गए, हमने इसका आधा ले लिया नहीं, तो ये कितना आएगा 4 सेंटीमीटर आ गया, और ए सी 4 सेंटीमीटर है, नो ए सी ओ इज इक्वल टू बी सी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो ट्राइंगल ए सी ओ इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, ये क्या है राइट एंगल ट्राइंगल नहीं,
तो बाय पीजीटी, बाय पैथागोरस थ्योरम, पीजीटी थ्योरम वी हैव, ये मैंने पढ़ाया 7th में, वी हैव क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो चलो इसको जो सॉल्व कर देते, ये जस्ट एक हमने कंसीडर किया, सपोज के ऐसा अगर आपको आ गया, तो अगर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये निकालना है, ये ओसी कितना है, तो यहां पे लिखा नहीं मैंने, लिख देते हैं, वी हैव टू फाइंड ओसी। हाँ, तो वी हैव टू फाइंड ओसी ये कितना होगा, ये हमें निकालना है। तो लगाइए हाइपोटेन्यूज क्या है, ए ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू बाय पैथागोरस थ्योरम, वी हैव बाय पैथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्राइंगल ए सी ओ, वी हैव ये हमारे पास आ जाएगा इस ट्राइंगल से, तो क्या है, ओ ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर। अब ये कितना है, 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, ये कितना है, ए सी कितना है, ये है 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, और ओ सी का निकालना है, 10 टाइम्स 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 4 4 जा 60 सेंटीमीटर, सॉरी 60 सेंटीमीटर, चलो निकाल देते हैं ऐसे, कोई बात नहीं, ओसी का स्केयर, सो ओसी का स्केयर इक्वल टू 100 माइनस 16, 10 में 6 गए 4 और 9 में से 1 गए 8, 84 सेंटीमीटर का स्केयर। तो ओसी कितना आएगा, यह आएगा स्केयर रूट 84 सेंटीमीटर का स्केयर। तो ये कितने जाएगा, 21 चौक 84, इसका बनेगा नहीं, ठीक है, ये इसी से रहने देंगे, तो इसका कट गया, ये आ गया 84, इसको हम स्केयर रूट से निकाल के कर सकते हैं। तो इफ ए बी इज इक्वल टू, अगर हम रख लें यहां पे कितना 12 सेंटीमीटर, अगर ये 12 सेंटीमीटर होगा देन हाफ ऑफ ए बी क्या होगा, लेट अस एक और एग्जांपल है, मान लेते हैं कि ए बी अब कितना है, वो 8 की बजाय 12 है, देन हाफ ऑफ ए बी कितना होगा, 12 अपॉन 2, 2 6 12, 6 सेंटीमीटर होगा। देन फिर इसका क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन आएगा, फिर इसी में पुट करेंगे, कितना आएगा, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस ओसी का स्क्वायर, इन केस इफ ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, इन केस अगर ए बी 12 सेंटीमीटर देन, तो फिर आएगा 100 इज इक्वल टू 6 के 36 प्लस ओसी का स्क्वायर, तो 100 माइनस 36 इज इक्वल टू ओसी का स्क्वायर, तो ये आएगा 10 में 6 के 4 और यहाँ पे 9, 9 में 3 के 6 ओसी का स्क्वायर, सो ओसी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 64, तो ओसी कितना आएगा, प्लस माइनस 8 सेंटीमीटर। स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, सो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो 8 ओसी कितना आएगा, 8 सेंटीमीटर। ये मैंने इसलिए किया कि वो जो वैल्यू ली है एग्जाम्पल में 8 सेंटीमीटर नहीं हो सकता, तो मैंने कहा अगर ये हम 12 ले लेते हैं तो देन इट कैन बी कैलकुलेटर, अदरवाइज इट इज स्क्वायर रूट में ओके है। तो आज का जो टॉपिक है वो यहीं बंद करते हैं, कल हम पढ़ेंगे टेंजेंट क्या होता है, ठीक है, तो टेंजेंट और उसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उसके बाद आगे जो भी रहते हैं जितने पार्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, तो उसके साथ साथ हम एग्जाम्पल भी देंगे, ठीक है, विद अ गुड होप, थैंक यू, बी हैप्पी एंड इंजॉय योर सेल्फ ड्यू टू होम क्लासेस ऑनलाइन, थैंक यू, बाय, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ओके।